हरे कृष्णा। तो आप सबका पुनः स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग ओरिजिन ऑफ क्रिएशन पढ़ रहे हैं, इस क्रिएशन का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो हमने करंट थियरीज भी देखे थे उसमें, जैसे डार्विन थियरी या जो थियरीज लोगों ने प्रपोज किए थे, स्ट्रिंग थियरी, यू नो, मॉलिकुलर थियरी, ये सारे थियरीज को समझते हुए और उनके फ्लॉज को समझते हुए हमने फिर जो वैदिक मॉडल है वो आपको प्रेजेंट किया है कि वेदा में जो ब्रह्मा जी हैं, जो जो क्रिएटर माने जाते हैं या मैनिफेस्टेशन जो करते हैं, वो अपने मुख से बताते हैं कि कहाँ से क्या क्या आता है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता और कई बार लोग न्यू भी ज्वाइन होते हैं। फिर हम अब आज जहाँ तक कल जहाँ तक पढ़े थे इस सब्जेक्ट को लेके, हम उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग वापस आज के सब्जेक्ट में जाएंगे। तो हमने कहा कि कृष्ण से या वासुदेव या नारायण बोल दीजिए, नारायण से भगवान की शक्ति आती है जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति ये भगवान के कांति है और ये ईश्वर तत्व ही है, शक्ति स्वरूप में है। इस ब्रह्म ज्योति से महत तत्व जो है वो मैनिफेस्ट होता है। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान जो है वो ग्लांस करते हैं तो एक्चुअली उससे वो क्रिएशन होता है। तो जैसे कई बार मॉडर्न साइंटिस्ट कहते थे बिग बैंग थियरी कि एक छोटा पार्टिकल था, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल पार्टिकल, वो ब्लास्ट हो और आ गया। तो वो अपने कुछ रिसर्च उसको ज्वाइन करते हैं, परंतु एक्चुअली वो जो अगर ब्लास्ट हुआ भी है तो वो इधर ग्लांस से हुआ है। सह ऐक्षतः भगवान ग्लांस करते हैं और वो महत तत्व में, महत तत्व जो है वो अपने अलग अलग शक्तियों द्वारा, भी वो मैंने आपको बहुत बड़ा समझाया था, वो अलग अलग शक्तियों द्वारा वो क्रिएट होता है, क्लाउड की तरह है महत तत्व। और उस क्लाउड को अभी ये सर्कुलर अगर प्रेजेंटेशन देंगे तो वहां भगवान स्वयं विस्तार होकर महाविष्णु हो जाते हैं। और महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो जहां लेटे होते हैं वहां कॉजल ओशन होता है, उस कॉजल ओशन में अनेक ब्रह्मांड तैरने लगते हैं। और हमने एक ब्रह्मांड को विस्तार करके देखा तो उस ब्रह्मांड में वही महाविष्णु अंदर गर्भोदक्षा विष्णु, उनके नाभि कवल से ब्रह्मा आते हैं। और इस महत तत्व के ग्लांस में फिर यहाँ पे सत्वगुण प्रवेश करता है। मैंने आपको बताया था सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रवेश करते हैं। इनके अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं, 10, 11, 12 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वो हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके माध्यम से जो पहले ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएशन करते हैं। और वो क्रिएशन में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, ऐसे 1, 2, 3 करके, फिर वहाँ पे लास्ट में नीचे ऐसा मेरू मेरू पर्वत के अंदर ये पूरा होता है। इसके अंदर यहाँ से लेके ये 8 होते हैं, ऊपर में ये 6 होते हैं, ठीक है। ये ऐसे मैंने आपको बना के दिखाया था। तो ये मैं अभी रफ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आपके पहले वाले मेरे सेशंस देख लीजिएगा मेरे, या तो फेसबुक प्रोफाइल में पीछे जाके देख लीजिएगा, और नहीं तो आप यूट्यूब पे भी जो अपलोड होता है दास गदाधर दास नाम का मेरा चैनल है, उधर आप देख सकते हैं। तो ये मैंने पहले समझाया था। कई बार लोग कल सिर्फ मून लैंडिंग वाले में घुस गए और उनको ये पता ही नहीं था, ऐसा लग रहा था। इसके आगे अभी स्ट्रक्चर में जो मून सन प्लैनेट स्टार्स कहाँ कौन है, कितने स्पीड से घूम रहा है, कितने डिस्टेंस में है, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन हम धीरे धीरे इसमें घुसने वाले हैं। अब जो है कल मैंने आपको बताया कि मॉडर्न, फिर हम लोग थोड़ा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को पढ़ रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर ये पढ़ा भी दूं तो आप बोलेंगे नो 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 ये मतलब ऐसी है। नो, आपको उसको कोई भी नॉलेज को रिलेटिवली कंपेयर करना ही पड़ता है। हाँ, कई लोगों कल जब मैंने मून लैंडिंग का बोला तो बड़े डर गए सब लोग। तो डरने का बात नहीं है, ये कोई मैंने दिया हुआ चीज़ नहीं, ये तब से ही लोगों को ये मालूम था। मेरे पास तो ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे CIA खुद कह रहा है कि हमने बहुत बड़ा प्लॉट किया था। उन्होंने अगले बैच के 4 एस्ट्रोनॉट्स को दिखाने के नाम पर ले गए और वही गैस चैम्बर में मार दिया था, ठीक है। वो लोग बोलते हैं हमने किया है। नील आर्मस्ट्रांग आज भी बाहर आके खुल के नहीं बोलता, उसको मालूम है वो झूठ है। अगर अगर कोई चांद पे जाके आए तो सोचो, नॉर्मल जो हमारे एक्टर्स होते हैं, हीरोज होते हैं मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड के, इनको लोग इतना प्रेम करते हैं, तो कोई चांद पे जाके आए तो सोचो लोग तो उसकी आरती उतरेंगे। लेकिन वो डर के छुप के बैठे क्योंकि जानते हैं वो नहीं गया था। अगर वो गया था तो उसको मेरे सामने एक बार बुला लो, मेरे को बोलो, मैं वहाँ फ्लाइट लेके जाता हूँ, उसके पास लाइव करा दूंगा। आजकल पॉडकास्ट का भी जमाना है, बोल तो पॉडकास्ट भी आ जाए। तो अब इससे मैंने जितना रिसर्च किया है उसका बस मैंने छोटा क्रक्स आपको कल दिया था। अगर आपको उसी में अगर शौक लगा हो तो मेरे से ओरिजिनल माल लेने का आपका फिर मैं दे नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है। एनीवेज मैं दूंगा नहीं क्योंकि आप लाइव में ले भी नहीं पाइएगा। तो वो सारे है मेरे पास,
ना, तो वो पॉलिटिकल पार्ट छोड़ दीजिए, इकोनॉमिकल पार्ट छोड़ दीजिए, हम लोग स्टैटिस्टिकली और लॉजिकली सोचने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने लॉजिकल प्रेजेंटेशन दिया है। कल मैंने कमेंट्स में देखा बहुत लोग सैटेलाइट यहाँ नहीं है, वहाँ है, ये है वो है, ठीक है, मैंने कल सैटेलाइट का कोई बात किया ही नहीं था, तो आप अपने कमेंट्स में लिखते रहिएगा, मुझे जो टेक होम आपको देना है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्यों वो उतना ही टच कर रहा हूँ मॉडर्न चीज़ों को जहाँ पे वो हमारे से इंटरफियर करते हैं। उनका कहना था कि मून जो है वो अर्थ को रोटेट होता है और यहाँ पे मून का एंगल अलग है। एक्चुअली मून ऐसा है, ये अगर अर्थ है, ये सन का डिस्टेंस है, ये एक्स है, तो एक्चुअली ये जो वाई है ना, वाई मून यहाँ है, वाई तो एक्स इज, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, जो वाई है वो एक्स से बड़ा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शनल जो पार्ट है वो अगर एक एंगल में देखा जाए तो वो छोटा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मून नज़दीक दिखता है, लेकिन ये वैदिक कॉस्मोलॉजी का मॉडल है। ये मैं आपको अच्छे से सब डायग्राम कैलकुलेशंस सब बताने वाला हूँ, आपको इतना इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मैं सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि में सारे वो हैं, सारे कैलकुलेशन। हाँ सूर्य सिद्धांत रे, आपको मैं बुक दिखाता हूँ, मेरे पास अंदर में भी बहुत बड़े बुक्स हैं, नो इवन वैदिक पार्ट में। मैं क्यों, ये हमारे स्कॉलर जो हैं भारत के बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने पूरे सूर्य सिद्धांत को देखिए पूरा दिया हुआ है। आपको सिर्फ डायग्राम्स भी दिखाना तो दिखे दिखे हाउ दे कैलकुलेट। मैं जैसे रफ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दिस तो करें, दिस इज हाउ दे कैलकुलेट। माई डियर सर, डोंट थिंक दैट यू नो पीपल हु स्टडी वेदास आर फूल्स। वॉट दे हैव स्टडीड, दोज पीपल कांट यून अंडरस्टैंड। ओके, अब इसको मैं गाली नहीं दूंगा, बस इतना ही। वैदिक लोगों का इज्जत करना सीखो, हरे कृष्णा। सो अभी हम उतना ही टच कर रहे हैं, अड़कला नहीं, हम उतना ही टच कर रहे हैं, ब्लर झालो तो, हम उतना ही टच कर रहे हैं जितना हमारे एरिया में आएगा। अगर कहीं इक्वल है तो हम उसको लेके चलते हैं, कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग है तो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं युद्ध करने का, हरे कृष्णा। तो आज हमारा जो टॉपिक है, तो ये मैंने बताया था आपको, अभी तक जितना बताया वो इतना था। फिर मैंने मून के जो मून लैंडिंग का जो होक्स है वो मैंने बताया। एस्ट्रोनॉमी करंटली जियोसेंट्रिकल और हीलियोसेंट्रिक दोनों का मैंने आपको पूरा सिस्टम समझाया, और आज मैं आपको, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको फैलेसी बताया, फैलेसी मतलब ये लोग कैसे लोचा कर देते हैं। इम्पैक्स यानी उसके आगे आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इम्पैक्स का मतलब है कि उसके आगे आप डेडलॉक आ जाते हैं। डेडलॉक यानी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अरे बॉल, ये सारे रुको रुको, एक काम करके बॉल को यहाँ रख देता हूँ। एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। तो इम्पैक्स का मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, जैसे ये एक चौक है, चौक यानी चौराहा, यहां से एक रास्ता आ रहा है, यहां से एक रास्ता है, यहां से एक रास्ता है, यहां से एक रास्ता है, और जो गाड़ियां हैं वो ऐसे से रास्ता है कि आधा यहां से जाएगा, 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 ठीक है। होता क्या है कि जब यहाँ की गाड़ी ऐसे खड़ी हो जाती है, यहाँ की गाड़ी ऐसे खड़ी हो जाती है, यहाँ से आई हुई गाड़ी ऐसी खड़ी हो जाती है और यहाँ की गाड़ी ऐसी खड़ी हो जाती है और ये सारा जैम होता है, तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये पूरा रास्ता खाली होते हुए भी यहाँ कोई आएगा नहीं, यहाँ से भी कोई जाएगा नहीं, और इसको बोलते हैं डेडलॉक, या इंग्लिश में इसको और भी कहते हैं इम्पैक्स। इम्पैक्स यानी इसके आगे उनका बढ़ ही नहीं पाएगा, बिकॉज उन्होंने अपने आप को ही चार एंगल से लॉक कर दिया। तो मॉडर्न साइंस ने एक झूठ बोला, दो झूठ बोला, तीन झूठ बोला बिना किसी प्रूफ के, और आज वो ऐसे सिचुएशन में है कि वो डेडलॉक में आ चुके हैं, और उस डेडलॉक से निकालने वाले हम ही लोग हैं। उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं सेमाफोर। हाँ, जब भी आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको ये डेडलॉक का सिचुएशन आता है, तो हाउ टू डील विद डेडलॉक, उसको बोलते हैं सेमाफोर। सेमाफोर करते हैं, ठीक है। तो जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर हैं या कंप्यूटर साइंस सीखे उनको मालूम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कंसेप्ट है। तो ये अभी मॉडर्न साइंस इसमें आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्स ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। क्या दूसरे बोर्ड को बुरा नहीं लगना चाहिए?
मेरे में टाइटल नहीं लिखा है सो पर्सनल फीलिंग। तो ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का इंपैक्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम कुछ सिर्फ पॉइंट्स आपको बताएंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट बताने जाऊं पूरा रिसर्च के साथ, क्योंकि मैं मेरा एक्चुअली कम से कम मैंने मतलब लास्ट 19 ईयर से रिसर्च किया है, ठीक है। आज एक दिन का चीज़ नहीं जो मैं आपको बताता हूँ, नाइदर पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स कोई भी चीज़ हवा में नहीं बोलता हूँ। बहुत रिसर्च किया है, बहुत फुल प्रूफ किया है। मैं कोई किसी का यहाँ मतलब यू नो एजेंट नहीं हूँ जो मैं किसी एक को लेके चलूँ। मैं खुद ट्रुथ ढूंढ रहा था और ये जो भी ट्रुथ है वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप इसको खुद रिसर्च कर सकते हैं अपने टाइम में, मेरे लिए तो ये काफ़ी हो चुका है। और मैं जब आपके पास यूट्यूब और गूगल है तो मेरे को मेरा रिसर्च का आपको ज़रूरत ज़्यादा होगा नहीं। इनफैक्ट एक सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट कल मैंने आपको बताया, मून लैंडिंग वाला। ये तो इतने पॉइंट्स है कि सबका रिसर्च करने जाओ तो हर एक पे एक एक सेशन हो जाएगा। परंतु मैं मेरा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये पॉइंट्स आज के दिन समझाऊंगा और कल से हम हमारे क्रिएशन के जो अंदर ब्रह्मा जी हैं वो कैसे मैनिफेस्ट होते हैं और वो कैसे खुद अपना लाइफ चालू करते हैं वो कल देखेंगे। परसों हम और भी आगे का कुछ चीज़ देखेंगे कि 9 types ऑफ क्रिएशन होते हैं, क्रिएशन के 9 प्रकार होते हैं, उन 9 प्रकार को जानेंगे। उसके बाद हम अंदर में उस ब्रह्मांड में काल प्रवेश कैसे करता है और वो काल है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। ओह, आप काल सुनिएगा तो एक अलग ही वर्जन है, वैसे मैंने पहले भी काल दिया था लेकिन उससे भी और डीप कल दूंगा मैं और कुछ दिनों बाद। और फिर उसके आगे हम हर प्लैनेट का स्ट्रक्चर, लेंथ, डायमीटर, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इक्लिप्सेस, यू नो सीजन्स, ये मॉडर्न तो सीजन भी नहीं बताता है कैसे हुआ है, ठीक है। तो आइए हम आपको अब हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। द फर्स्ट थिंग गिवन बाय मॉडर्न साइंसेस, वो कह रहे हैं, उनका कहना होता है, ये देखिए हमारे पास ग्लोब है। तो पहले तो उनका मानना है कि अर्थ है वो ऐसा है। तो एक्चुअली देखा गया अगर वो ये एक्सिस में डिवाइड करते हैं तो ये नॉर्थ होना चाहिए, ये साउथ होना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं, एट द एंगल ऑफ 23 degrees ये थोड़ा सा टिल्टेड है और वो कहते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ऐसे वो कहते हैं, ऐसा उनका अपना ही मानना है। ये मुझे मिल गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को भी खेलने के लिए कुछ हो गया लेक्चर के बीच में माइंड एंगेज रहता है। सो वो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ऐसा है। अब एक चीज वो अभी तक नहीं बता पाए, उन्होंने रिसर्च किया कि नॉर्थ पोल में से जो स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी हैं, वो नॉर्थ पोल से जो स्टार्स देखते हैं, जो उनको स्टार्स दिखाई देते हैं, यहां जो भी है स्टार्स, वो कह रहे हैं यहां से जो दिखाई देते हैं वो साउथ से भी वही दिखाई देते हैं। अत्ता बोला, आपने बोला अर्थ गोल है, आप यहां से जो टेलीस्कोप लेके देख रहे हो तो जो आपको दिख रहा है वही आपको यहां होते हुए आप कह रहे हो ये कौन सा समझो, यहां साउथ पोल में कहां चले जाएंगे, ब्राजील अर्जेंटीना कहीं चले जाते हैं, लीजिए आप यहां खड़े हो आपको वही दिख रहा है। अगर यहां है तो नीचे का दिखना चाहिए, साउथ पोल वालों को सेट ऑफ डिफरेंट स्टार्स दिखने चाहिए, तो साउथ पोल स्टार नॉर्थ पोल स्टार सेम दिखाई देते उनको दोनों भी पोल्स पे। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 सर, ये अर्थ ना गोल है, अर्थ ऐसा एक फ्लैट सरफेस है, ऐसे मतलब ऐसे, वो गोल नहीं है। ऐसे कुछ फ्लैट अर्थ थियोरी वाले बोलते हैं जो कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है, और वो कहते हैं कि इसलिए वो साउथ पोल समझो, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ऐसा अगर उनका मानना है तो वो कहते हैं कि ये पूरा आगे बर्फ है,
इसके आगे पूरा बर्फ है, इसलिए आप कहीं भी जाइएगा कोई भी डायरेक्शन में तो बर्फ ही बर्फ मिलता है। कहीं भी चले जाइए आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। तो वो क्या करते, अभी मैंने वो बनाए नहीं, इसको अगर आप ऐसे नीचे से फाड़ दीजिएगा, कोई एक एक्सिस पे लेके यहां से फाड़ के इसको ऐसे प्लेन बना दीजिएगा, पूरे अर्थ को अगर आप प्लेन बना देते हैं ऐसे, और ये सारा हमारा इंडिया, ये चाइना, ये रशिया, यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ नहीं आएगा, ये अभी ऐसा आता है, जब उसको फाड़ दीजिएगा तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ जाएगा, फिर ये सारे कंट्रीज, ये अमेरिका, ये जो भी ऐसा है ना, ये ब्राज़ील, ये सब। अब क्या होता है, ये रिश्ते का, अब क्या होता है, उनका हम कहना क्या है, उनका एक क्वेश्चन है जो एक्चुअली हमारे थ्योरी को भी सपोर्ट करता है, हमारे पॉइंट्स को भी सपोर्ट करता है। वो कहते हैं कि जितने भी फ्लाइट्स है इवन ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले, वो ऐसे जाते हैं या तो ऐसे जाते हैं, ठीक है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया यहां था, अगर ये मैप के हिसाब से, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो एक्चुअली फ्लाइट यहां से यहां जाना चाहिए। तो इसको अगर आप ऐसे करिएगा तब ये नजदीक बनता है, तब आपका ये रूट परफेक्ट है। तो वो कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है और इसलिए ऐसा है, लेकिन कोई भी फ्लैट, उनका कहना है कि अगर आप कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाइएगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, तो कर्वेचर दिखेगा, उनका ये कहना है, इसलिए वो प्रतीत होता है कि अर्थ गोल है। तो क्या अर्थ गोल है कि अर्थ फ्लैट है, चिंता मत करिए, हम आपको सभी सवालों का जवाब हमारे मॉडल में देंगे, ठीक है। तो इनके हिसाब से तो ना रोटेशन होता है ना रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन इनके थियोरी में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम मालूम है, अगर सन कहीं भी है, तुम कह रहे हो कि ये स्टेशनरी है, सन भी स्टेशनरी है और ये तुम्हारा फ्लैट अर्थ भी स्टेशनरी है, तो इसका स्टैंडर्ड डे और नाइट होना चाहिए या पूरा सब जगह दिन ही दिन होना चाहिए। इसको मैंने ऐसे फ्लैट कर दिया और सन को मैंने यहां लगा दिया, जैसे लाइट का बल्ब है और उसको फ्लैट कर दिया, तो पूरा का पूरा लाइट आना चाहिए, तो रात होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपने सन को एक रोटेशन में घुमा दिया, इसको एक सीक्वेंस में घुमा दिया, तो भी इसको हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि इसका कर्वेचर ही नहीं है, तो अर्थ राउंड है कि फ्लैट है। चिंता मत करिए, बने रहिए सुर्खियों में। तो एनीवेज, मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसके वजह से मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो है इंपैस में पहुंच गई है, वो इस थ्योरी को मानती नहीं है, वो अपने थ्योरी से ये बता नहीं पाती कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे को यही वाले प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो चलो इसका मतलब मैं यहां देख रहा हूं, मुझे नीचे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो यहां का है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपैस। ओके, मैं इसके आगे दूसरा इंपैस लेता हूं, क्योंकि यही इंपैस समझाते समझाते कहीं दिन न चला जाए हमारा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। दिस इज फर्स्ट इंपैस, ठीक है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट, नंबर टू, नो एक्सपेरिमेंट फॉर रोटेशन ऑफ अर्थ वो कह रहे हैं कि जो पृथ्वी हमारी घूम रही है, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका एक प्रूफ, एक एक्चुअली आगे एक प्रूफ आने वाला है, लेकिन मैं हो सकता है उसको इसी में ले लूं। चलो उसमें ले लेंगे जब मैंने वो पॉइंट लिखा है। तो साइंस के पास, ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के अपने पास, नासा के पास, इसरो के पास और आप जैसे ज्ञानी लोगों के पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि अर्थ रोटेट हो रहा है। वो एक एजम्पशन पे आप कैलकुलेशंस लगा रहे हो, सो दैट इज व्हाई देयर इज नो प्रूफ। सो आप बिना प्रूफ के खुद बोल रहे हो, यू हैव ड्रॉन कंक्लूजन्स विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, हु इज अ लायर, यू और वी, झूठ कौन बोल रहा है। तो कल हमने देखा ही कि आपने जब 1969 में ही हमको चूना लगा दिया,
तो आगे आप कितना लगा सकते हो। तो एनीवेज डोंट वरी, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है दैट अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है। एक तो राउंड अर्थ का इधर उनको फंस गए वो लोग, वो भी एक चीज है। आइए थर्ड पॉइंट लेते हैं, मैं ये पूछने वाला हूं, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको आपको इसमें से कोई पॉइंट नहीं भी समझ में आए तो चिंता मत करिए, क्योंकि हमको वैदिक मॉडल समझना है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारे फेथ होते हैं ना, और फिर हमारे कोई हमको ही क्वेश्चन आते हैं, फिर आप यही क्वेश्चन मुझे तब पूछिएगा तो तब मैं ये सब समझा नहीं सकता। एक बार मैंने अभी ये समझा दिया, उसके बाद जब मैं वैदिक मॉडल में चला जाऊँगा फिर मैं इधर आने वाला नहीं हूँ, है ना। ये कॉन्कॉक्टेड आइटम्स बोलते थे, कॉन्कॉक्टेड मतलब आपको कोई प्रूफ है नहीं, आप बोले जा रहे हो अपने ऑब्जर्वेशन। फिर कल ये दूसरा साइंटिस्ट उठेगा कोट टाइप पहन के आएगा, एंड यू नो व्हाट द होल वर्ल्ड इज फ्लैट एंड आई हैव द फाइव प्रूफ्स। तुम्हारा कौन सुनने वाला है? टाई कोट पहन के तूने बोल दिया हम बंदर से आए, तुमने बोल दिया एक ही जिंदगी है, दारू पी के मजे करो, तुमने तो पूरा जनरेशन बर्बाद कर दिया मेरे भाई। तुम्हारा कौन सुनने वाला है? तुम्हारा कोई अपना ही ठिकाना नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री, वो कह रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है कि नो सैटेलाइट इन नॉर्थ साउथ ऑर्बिट दिस्त करे पुढ़ तो ऑर्बिट दिसते, दरवाजा बंद दिसते का? तो नो सैटेलाइट इन नॉर्थ साउथ ऑर्बिट, यानी जैसे ये अगर पृथ्वी है, अगर इनका ये मानना है कि यही नॉर्थ साउथ है, या हमारे ये समझो फॉर एग्जाम्पल ये भी नॉर्थ साउथ है, वॉट एवर, उनका अभी तक जो मानना है कि उन्होंने सैटेलाइट्स भेजे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, भेजे हैं, टाइमिंग ऐसे मानते हैं, तो वो एक वो यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है, और एक यहाँ से ए रहता है। तो ये एक ऐसा रोटेशन मारता है, एक ऐसा मारता है, और ये जो बीच वाला है इक्वेटर पे ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक बेसिकली ट्राइंगल बन जाता है ऐसा, और इस ट्राइंगल में उनको जितना भी चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन उनको मिल जाता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इन्होंने आज तक एक भी सैटेलाइट नॉर्थ साउथ ऑर्बिट में नहीं भेजा। इसका रीजन क्या है? वो कहते हैं नहीं नहीं नॉर्थ साउथ में भेज के ना, मतलब यहां बर्फ है वहां बर्फ है तो क्या बर्फ का लेना। अरे भैया जब तीन सैटेलाइट छोड़ ही दियो और एक छोड़ दो, अब तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो? तो क्वेश्चन है कि क्या साउथ पोल से सैटेलाइट जा भी पाएगा या वो टकरा जाएगा? तो इसमें इसी को कनेक्शन में फोर्थ पॉइंट आएगा कि डॉक्टर अनंत करके एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, ये साउथ पोल के टूर पे गए थे। ये साउथ पोल के टूर पे गए थे एंड ही सॉ दैट देयर इज नॉट ओनली आइस प्लेटफॉर्म बट इट इज आइस स्लोपिंग है। मतलब उनका कहना है, उनका ऑब्जर्वेशन था कि अगर ये पृथ्वी है तो ये साउथ पोल के पास ऐसा स्लोपिंग है आइस का, देयर इज अ कंटिन्यूटी, और यहां से कुछ और जा रहा है, और ये डॉक्टर अनंत ने ऑब्जर्व कर लिया था। एंड यू नो बाद में एनीवेज स्वाहा हो गए, तो अब आप खुद ही समझिए क्या समझना है। तो इनके सारे सैटेलाइट्स अगर घूम भी रहे तो इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इधर कुछ नहीं घूम रहा है, अगर सैटेलाइट्स घूम रहे हैं तो अगर घूम भी रहे तो आपका नॉर्थ साउथ में क्यों नहीं घूम रहा है, हमारा पॉइंट है, व्हाई इज इट नॉट पासिंग थ्रू द साउथ पोल, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट मैंने डॉक्टर अनंत का एक्सपेरिमेंट बताया आपको, साउथ पोल में आइस स्लोपिंग उनको दिखा था। अब हम लेते हैं, अब ये मैं फोर सारे पॉइंट्स रब करूंगा क्योंकि अब मैं कुछ और पूछा, प्लीज लिख लीजिए। हाँ
प्रश्न है ना, हमारे श्याम प्रभु को क्वेश्चन है इसी में। श्याम प्रभु मेरे कैमरामैन है, इज वन ऑफ द गुड डिवोटीज। तो अभी सवाल मत पूछो, क्योंकि तुम सवाल पूछोगे तो मैं, मेरा ये टॉपिक रह जाएगा, और मेरे पास आज का टाइम कम है। आज मुझे और भी ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, और उसके बाद आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, उसको मैं मेरे कॉस्मोलॉजी में आंसर कर दूंगा। अभी जितना समझा रहा हूँ उतना समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्च भी करें, मैंने बहुत रिसर्च किया है, ठीक है। अब मैं ये वाला सेक्शन पूछ देता हूँ, पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। तो जो अर्थ है, तो इसका एक लेयर है, तो ये मॉडर्न साइंस ने भी ढूंढा था, उनका कहना है एक लेयर है, यानी अर्थ का अगर ग्रेविटी है तो उसका लेयर है, ऐसा इनका मानना है। तो ये कहते हैं यहां जब आप अर्थ के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऊपर जाते 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 आप ऊपर जाते हो, तो एक्चुअली ऐसे रेडिएशंस आते हैं नीचे की तरफ, बहुत सारे अलग अलग रेज के। तो इन्होंने देखा है कि इनका फोकल पॉइंट एक ही जगह है, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर भी उनको एक ही फोकल पॉइंट आ रहा था। तो इससे इतना तो क्लियर है कि ये जो रोटेट है ना, रोटेशन, ये जो रोटेशन है ये है नहीं। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि अगर रोटेशन होगा तो रिलेटिव मोशन में भी रेज जो है ना वो लाइटर होते हैं, तो द फोकल पॉइंट विल कीप ऑन चेंजिंग, कभी यहां रहेगा कभी यहां रहेगा कभी यहां रहेगा कभी यहां रहेगा। तो कहता है कि दैट गोज टू प्रूव दैट इट इज स्टेशनरी। वो कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, बहुत रिसर्च किया था, रशियन साइंटिस्ट लोगों ने भी किया था, दे सेड दैट द फोकस पॉइंट इज नॉट चेंज, इट इज सेम, इट मींस इट इज स्टेशनरी, इट इज नॉट मूविंग, हिल नहीं रहा है, ठीक है। अभी इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद ढूंढिएगा। अच्छा, अब जो है ये मैं रखता हूं डायग्राम, आपको काम आएगा। वो कहते हैं स्टार्स मूविंग अबाउ लुक अलाइक, ठीक है, एनीवेज मैं इतने में समझा देता हूं। स्टार्स अलाइक नहीं लिखूंगा मैंने, तो स्टार्स इसको कह सकते हैं, स्टार्स मूविंग अबाउ, क्या वर्ड्स का भी गेम होता है, तो इनका कहना है कि जो अर्थ के ऊपर जितने भी स्टार्स हैं, ये अर्थ है और आप यहां खड़े हैं, समझो आप यहां हैं, इंडिया में हैं अभी यहां पे, तो अगर आप घूम रहे हैं तो स्टार्स आपको अलग अलग दिखने चाहिए, नए 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 दिखना चाहिए, या एक दिन में भी जो आपको दिख रहा है तो अलग अलग दिखना चाहिए। तो आपको एक्चुअली दोनों हेमिस्फीयर घूमने के बाद भी आपको वही स्टार्स दिखाई देते हैं, सारा रोटेशन में भी आपको वही स्टार्स दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब आप रोटेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसे ये वाला साइड रब कर देता हूं। अब ये बहुत हर चीज में मैं प्रूफ देते तो थक जाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूं, तो ये वाला साइड मैं रब कर रहा हूं। कई बार बहुत लोगों ने रिसर्च नहीं किया रहता है तो उनको लगता है स्टार स्टेशनरी है, नहीं, स्टार्स मूव होते हैं, और स्टार्स मूव होते हैं ये मॉडर्न साइंस भी जानता है, क्योंकि वो लोग लाइट का जो इफेक्ट करते हैं ना, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज का जो कैलकुलेशंस करते हैं, उससे वो मैच करते हैं लाइट ईयर्स, कितना दूर है वो, कहां से कहां गया, तो इसका मतलब स्टार्स मूव होते हैं। लेकिन स्टार्स जो मूव होते हैं वो एक कॉन्स्टोलेशन में मूव होते हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस,
और आप जो हैं, आप कह रहे हो आप रोटेट हो रहे हो, तो आप जब यहां से यहां जाते हो तो आपको नए नए दिखने चाहिए, यहां आ गए तो नए दिखने चाहिए। लेकिन जब सूर्य ग्रहण भी होता है आपको कहने पर, वो रात का समय हम जहां रोटेट होकर आते हैं ना तो वही दिखता है। तो जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन भी आपको वही स्टार्स क्यों दिखाई देते हैं? सोचने की बात है। थॉटफुल सिक्स सेवन तो सातों तो मैंने मून लैंडिंग लिखा है, जो मैंने कल आपको पूरा एलोबरेट समझा ही दिया था। नो फ्लाइट्स, जगन्नाथपुरी के ऊपर कोई फ्लाइट नहीं जाता। क्यों? ये नहीं कि वो मंदिर, ऐसे तो मंदिर बहुत सारे हैं, आपको बताऊंगा क्यों। कभी नहीं जाता, वो कोलैप्स हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। डेयरिंग, डेयर, डेयर। अब इतना इतना कॉस्मोलॉजी छोड़ दो, आप भारत सरकार को बोलो, इसरो वालों को, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर ही लेके जाओ, उसके ऊपर से लेके जाके दिखा दो। फॉरगेट, एक खटारा एयरक्राफ्ट ले लो जो टूट सकता है, खर्चा भी कम करो। अब बस एक डमी, उसमें पायलट भी मत बिठाओ, एक डमी आदमी वो बैठा दो, रोबोट चलाने वाला, लेके जाओ। स्विट्जरलैंड हिल, स्विट्जरलैंड में एक माउंटेन है, वहां से कोई नहीं जाता। मैं हिल लिखता हूं क्योंकि माउंटेन बड़ा हो जाता है। उधर के ऊपर से कोई जाता ही नहीं, अलाउड ही नहीं, अलग रोड निकालते स्विट्जरलैंड से, अलग वो निकालते। हिमालयाज, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मेरे सपोर्टिंग में उनको मैं ढूंढ ढूंढ के निकाला हूं। हिमालयों के ऊपर से, हिमालय यानी जो एक्चुअली मिडल रेंज है, इसके ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं जाता। इनफैक्ट आप जब गंगोत्री जाते हो तो गंगोत्री आगे गोमुख है, और गोमुख के आगे आप जा ही नहीं सकते। उसके अलावा आपको बताता हूं, बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के आगे 65 किलोमीटर स्वर्ग द्वार है। स्वर्ग द्वार यानी वहां से अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स का रास्ता है। तो जब आप वहां से 65 किलोमीटर आगे जाते हो ना, तो बोलते हैं आफ्टर दैट नोबडी कैन गारंटी। आपको सिर्फ धुंध, आपको सामने धुंधला धुंधला दिखता है, जैसे हमको ठंडी में फॉग दिखता है ना, तो उनको पूरा धुंधला 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 दिखता है। तो आप उसके आगे आप अपने रिस्क पे जाओ, एंड इफ यू डाई वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, सरकार खुद कहता है। ठीक है, तो ये बद्रीनाथ के पास है, आपको जाना है तो आप जाइए ना, ये कोई मेरे को फेथ है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हावड़ा, भाई तो बंगाली बाबा, ये बंगाली बंगाली, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज में मैंने आगे लिखा भी है बहुत सारा। हावड़ा ब्रिज में आप जाएंगे तो गंगा जी जो बह रही हैं, तो ये इन्होंने क्या किया था एक्चुअली, ब्रिटिशरों ने हैंगिंग ब्रिज क्यों बनाया मैं बताता हूँ। हावड़ा ब्रिज इज द ओनली ब्रिज जहाँ दोनों साइड से बस वो है, अब बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं देना था, उनको देना था, बाद में पता चला कि उसको मापने के लिए जा रहे हैं तो उसका एंड ही नहीं मिल रहा है सोनार इफेक्ट से। सोनार इज लाइक यू नो सुपरसोनिक साउंड भेजते हैं, वो उसका रीड करते कितना हीट है, उनको मिल ही नहीं रहा है। तो उनको तो वो तो वहां से पाताल तक रास्ता जाता है क्या, वो तो अभी बताना मुश्किल है, पर दैट इज वाई द ब्रिज हावड़ा ब्रिज। बद्रीनाथ के ऊपर स्वर्ग का रास्ता है। हिमालय जो है आपको जितने आंखों से दिखते हैं वो आंखों से दिखने वाले हिमालय हैं, उसके अलावा जो पहाड़ हैं वो आपको नहीं दिखते, सेलेस्टियल बींग्स को दिखते हैं, तो आप उसको पार नहीं कर सकते। स्विट्जरलैंड का जो हिल है वो उसका तो कुछ स्टोरी मैं नहीं जानता। और जगन्नाथपुरी के ऊपर नीलाचल पर्वत है, एक्चुअली जगन्नाथ जी नीलाचल पर्वत पे रहते हैं, लेकिन जब इस टाइम में आते हैं कलयुग में तो नीचे आ जाते हैं। तो मंदिर जब आपको दिखता है एक्चुअली वो उसके ऊपर ह्यूज इनविजिबल नीलाचल पर्वत है, जिसको एक्चुअली कोई पार नहीं कर पाएगा, दैट इज द होल रीजन। ठीक है, एट सेवन एट, उनका कहना है मॉडर्न साइंटिस्ट का कि स्टार्स आर नथिंग बट डिफरेंट सन्स। उनका कहना है जैसा हमारा एक सन है इस सोलर सिस्टम के लिए, वैसे वो अनेक अनेक सन है। ये आपका एजम्पशन है भाई, आपको कोई बताया नहीं, आप अपना थ्योरी लिखने के लिए बोल दिए। अगर वो सारे सन है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि तो उसका जो दूसरा मिल्की वे होना चाहिए, जैसे हमारे सन का अगर एक अर्थ प्लैनेट और बाकी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो वो स्टार्स का भी अपना होना चाहिए। तो वो तो आपने प्रूव नहीं कर पाए, या अभी तक प्रूव नहीं कर पाए, वो दे हैव नो प्रूफ एट ऑल। वो हमको बोल देते हैं लाइक देयर आर मेनी गैलेक्सीज एंड देन देयर आर मेनी गैलेक्सीज, वेरी गुड, गैलेक्सी गैलेक्सी कर देते हैं,
बच्चों को प्लेनेटोरियम, नेहरू प्लेनेटोरियम वर्ली मुंबई में लेके जाते हैं, ऐसा बिठाते हैं, वो तारे वो है, वो तो मूवी है, ओरिजिनल किधर है? कुछ नहीं है, है ना, वो वीडियो दिखा के उल्लू बनाने वाला काम बचपन में आजकल सब जगह चल रहा है। ठीक है, ये एट हो गया। फिर नाइन्थ, फिर वो कह रहे हैं तो स्टार इक्वल टू सन, ऐसे मैं लिख देता हूं, नो अदर मिल्की वे, इसका कोई प्रूफ है ही नहीं, फोटो दिखा के तुम बच्चों को बहलाना, हम जैसे इंटेलेक्चुअल्स को थोड़ा दूरी रखना, ठीक है, नो मिल्की वे। फिर वो नाइन्थ पॉइंट कह रहे हैं, जितने भी इनके अपने वो हैं, मतलब ऑब्जर्वेटरी कहते हैं ना, ऑब्जर्वेटरी यानी अगर आपको पूरा ऑब्जर्व करना है तो वो जो हाफ नॉर्दर्न है पार्ट होता है ना, उसमें वो लोग वो स्टेशन रखते हैं, साउथ में नहीं रखते हैं, बताइए क्यों? ऑल ऑब्जर्वेटरीज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे ये अगर अर्थ है और ये अगर हाफ कर दीजिएगा तो नॉर्थन हेमिस्फीयर करिए, सदर्न हेमिस्फीयर करिए, तो इनके जितने भी ऑब्जर्वेटरीज हैं वो इधर अपर एरिया में लोकेटेड है, नीचे लोकेटेड नहीं है, बताइए क्यों? हमारे साथ बने रहिए समझने के लिए। ठीक है, सारे ऑब्जर्वेटरीज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, आपको बता देता हूं थोड़ा सा फिर भी, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर आप ऑब्जर्वेटरी यहां करते हैं तो आपको केवल इधर का पार्ट दिखाई देगा, यहां करते हैं तो इधर का पार्ट दिखाई देगा, लेकिन यहां करते हैं तो आपको एक्चुअल जो दिखना चाहिए यहां से इस जोन से लेकर इस जोन में जितना स्टार्स एक्चुअली हैं वो आपको दिखाई देते हैं, और आपको मालूम है यहां से आपको इधर का आधा दिखाई देता है, यहां से इधर का आधा दिखाई देता है, और नीचे कुछ नहीं है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप बताएंगे नहीं क्योंकि आपने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी, आपने थ्योरी प्रपोज किया था, तो अब आपका थ्योरी आप खुद काटिएगा तो लोग आप पे विश्वास उड़ जाएगा, इसलिए आप चुपचाप उधर दिखाते हो और वहां से सब दिखाते हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में अभी वापिस रब कर रहा हूं, नौ हो गया। दसवां पॉइंट है, अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, मैं शायद फिनलैंड या कोई तो है, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं आप, तो नॉर्थ पोल में पृथ्वी घूम रहा है कि नहीं? ये बॉल से बताऊंगा, एयर से नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये सन है, ठीक है, और अब ऐसे समझिए जो बल्ब का आपको इधर दिख रहा है, बल्ब का वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसमें, तो ऐसे समझिए ये सन है, ये बल्ब का रिफ्लेक्शन है, ऐसे इसको पकड़िए, सूर्य है और ये सूर्य का यहां पे, ये यहां पे भी रिफ्लेक्शन है, तो इस नॉर्थ पोल पे जो खड़ा है, अब आप वीडियो देख सकते हैं कि व्यू ऑफ सन फॉर सिक्स मंथ्स इन नॉर्थ पोल, तो यहां पे वो पोल है, यहां पे वो खड़ा है, तो अगर अर्थ घूम रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो छह महीने के लिए इसको सन मोशन में दिखाई देता है, लेकिन ऐसे नहीं दिखाई देता, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे दिखाई देता है, और वो डूबता नहीं है छह महीना, सिक्स मंथ्स। क्वेश्चन है इसका डे नाइट हुआ कहां, छोड़ दो ये, अगर अगर ये रोटेट हो रहा है, अगर ये अर्थ है और आदमी यहां खड़ा है नॉर्थ पोल पे, सन अभी फिलहाल यहां है और अर्थ घूम रहा है, अगर ये तो स्टेशनरी आपके हिसाब से, अगर ये स्टेशनरी है सन और आप यहां हैं और अगर आप घूम रहे हैं, तो आप 24 घंटे में आप ऐसे घूमिएगा,
लाइक मैं इस अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, ये सन है मतलब ये लाइट है, तो अभी मैंने ये सन देख लिया, अब मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो मैं तो घूमूंगा, अगर पोल पे भी खड़ा हूं तो घूमूंगा ना, डायरेक्शन तो मेरा चेंज होगा, तो फिर मैं ऐसे होने लगूंगा, तो मेरे को सन अब नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे तो 6 महीना दिख रहा है। तो एनीवेज इससे पता चलता है अर्थ घूमता नहीं है, ठीक है। ओके, फिर आपका आता है 11th पॉइंट। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी मैंने आपको समझाए, हो सकता है आपको ना समझे, पर कभी बाद में समय मिलेगा, अभी मेरे सारे सीरीज खत्म हो तो मैं आपको, आप मेरे विद्यालय में आ सकते हैं, हम आपको ये सारी चीजें बहुत डीप में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी क्या ऑनलाइन में मैं जितना बता सकता हूँ पॉइंट्स लिख के दे रहा हूं, आप लोग खुद मनन करिए, खुद मेडिटेट करिए और आपस में डिस्कस करिए, ठीक है। तो आप अगर नैमिषारण्य जाते हैं तो आपको रोटेटिंग वाटर दिखाई देता है, वहां वहां एक वाटर बॉडी है, वैसे घूमते रहता है, तो ऐसा कहते हैं वहां से पाताल तक का एक्चुअली रास्ता है, और कुसुम सरोवर में भी यही आपको पाया जाता है। आप वृंदावन में कभी जाएंगे, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, तो कुसुम सरोवर में किसी को भी ना ज्यादा बीच में तैरने का अनुमति नहीं है, कोने में नहाने का, ऐसे कहते एक बार वहां कोई चला गया तो सीधा पाताल लोक में निकलता है, तो ये इसका ग्लोरी है, ठीक है। ये मैंने उधर भी कोई कई साधुओं से सुना है, और हमारे एक बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन अभी हमारे पास लगता है टाइम कम है, तो हमारे एक साधु है इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, वो गए थे ब्राजील, तो ब्राजील में गए थे तो उधर उन्होंने ऐसी गुफाएं देखी जहां से सोना निकलता है, तो उन्होंने उधर के लोगों को पूछा, बोले किसी को पता नहीं एक्चुअली ये टनल लंका तक जाता है, श्रीलंका, हाँ, बोले उन्होंने क्या किया उस गुफा में पत्थर डाला, वो पत्थर का रिटर्न आवाज ही नहीं आया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लाए, बोले इसके अंदर हो सकता है रावण वगैरह कोई उधर से जाते होते हो, रास्ता हो, होता है, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में बहुत जगह गुफाएं देखी है, पांडवकालीन लेनाद्रे बोलते हैं उसको, पांडवकालीन है, आप एक जगह से जाइए दूसरे से निकले, लेकिन अभी क्या हम लोग डरपोक पैदाइश है ना, हम लोग वैसे ही नहीं जाते, लेकिन आप जाइएगा तो आपको मिलेगा, ऐसा ही है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी मेरे पास, और बहुत सारे खुद के पॉइंट्स हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मुझे 1000 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं अभी उसको डालूंगा नहीं, हमारे पास टाइम कम है। तो ये आज हमने जो समझाने का प्रयास किया, इसका मेन मकसद है, इसको आप रिसर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सैटेलाइट पर लेके जाता है तो जाइए एक बार, है ना, सरकार को बोलिए हमें भी ले जाए, कुछ नहीं तो जो जा रहे हैं उनको हमारे सामने लाइए, हम कुछ क्वेश्चन पूछ लें, भैया इतना अच्छा काम किया तो हमको भी थोड़ा ज्ञान मिले। तो लोग बोलते नहीं, हम हमारे देश का वो नहीं करना चाहते, डेटा नहीं देना चाहते, तो ठीक है, डेटा नहीं, हमारे कॉमन आंसर्स दे दीजिए, हमने डेटा थोड़ी मांगा है कि कितने लैटिट्यूड वैटिट्यूड, नहीं, हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसको जवाब दे दीजिए। हरे कृष्णा। तो मुझे लगता है हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, करता लेकर देता, हाँ तो बोलते थे क्या है जबकि, तो हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, आप लोग ये पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लीजिए तब तक। और कल जो है हम सब हमारे कॉस्मोलॉजी में जाएंगे, जो ब्रह्मा जी ने कैसे क्रिएट किया और क्या क्या क्रिएट किया, और ये जो जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन अभी थे वो कैसे उसमें आंसर हो जाते हैं, ये बताना आसान है, तो कोई भी मतलब उठा के बोल सकता है, लेकिन हमारे वेदों में प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर आंसर्स हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखता है, साउथ से क्यों नहीं दिखता, साउथ से बर्फ क्यों दिखता है, ये सारा चीज, अर्थ गोल है कि फ्लैट है, कि फ्लैट में एक गोल है। चलिए कोई बात नहीं, एलियंस कहां से आते हैं, कहां रहते हैं, किसको कर्मा लगता है, किसको नहीं लगता है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, उसमें सब पता चल जाएगा। ओके, सो वी विल हैव कीर्तन नाउ, हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे।
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Prabhupada
प्रभु पानी ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर बोलो युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप चिंता मत करिए, इतना क्वेश्चन आने के बाद हो सकता है आपको आपका फेथ हिल गया हो या सब, ना सोचने का बात नहीं, क्योंकि ऐसे भी हम लोग किसी अर्थ पे जाके घूमते तो है नहीं, जाते हैं जहाँ रोटी सब्जी मिलता है, खाना मिलता है, पैसा मिलता है, लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर भी जब हम हमारा मॉडल समझाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अपने आप आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल के रखे, रिसर्च करते रहिए, कमेंट्स में आनंद लेते रहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे।